अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यू मोबाइल E4000 इसकी फ्लैश फाइल किस तरह रीड की जाती है। तो ये सामने आपके मैकल का क्रैक मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और इसके लिए आपको SPD के USB ड्राइवर भी चाहिए होंगे। तो SPD के जो ड्राइवर हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वो आपने डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह रीड करना है और उसके बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसको कैसे अनलॉक किया जाता है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन का कोड किस तरह खोला जाता है, किस तरह रिमूव करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसकी फ्लैश फाइल रीड कैसे की जाती है। ये आप देख सकते हैं MTK का बटन है, इसके नीचे ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल SPD है तो हम SPD के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से ये रीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपने बूट कौन सी सिलेक्ट करनी है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे रीड के तो यहां पे ये आ रहा होगा 6600L 6226 6530 6610 आगे 20। तो आपने यहां से क्लिक करके तो नीचे ये लिखा हुआ है SPD 6631, तो आपने 6631 ESP इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे नीचे स्टार्ट का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करनी है। दोस्तों याद रहे कि USB ड्राइवर आपके नहीं हुए तो फिर ये आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। अब जो टूल है वो आपको कह रहा है यहाँ पे स्कैनिंग USB सीरियल पोर्ट, तो हमने किस तरह करना है इसको कनेक्ट। ये मेरे पास डेटा केबल है और ये मोबाइल है, इसमें से हमने बैटरी निकाल लेनी है, इस तरह थोड़ी सी रख लेनी है और ज़ीरो का बटन प्रेस कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम ये केबल लगाते जाएंगे, ज़ीरो का बटन प्रेस करके केबल लगानी है, जैसे ही हम केबल लगाते जाएंगे तो साथ ही फौरन बैटरी भी लगा देनी है। तो अब आप देख सकते हैं ये ख़राब हो गया। दोस्तों मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, ज़ीरो का बटन आपने प्रेस करके रखना है फिर केबल लगानी है। तो ये अभी आप देख सकते हैं इसके नीचे इसकी फ्लैशिंग रीडिंग शुरू हो गई है, तो ये थोड़ी देर बाद रीड हो जाएगी मुकम्मल। तो दोस्तों ये हमारे पास इसका जो फ्लैश फाइल है वो भी आ गई है। इसकी फ्लैश फाइल को मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँ। तो ये मैंने दोस्तों तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये हमारे पास फाइल आ गई है, तो अगर आपको चाहिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।